वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। मीनिंग एंड यूसेज ऑफ प्रीपोजिशंस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था ए से शुरू होने वाले प्रीपोजिशंस के मीनिंग एंड यूसेज। आज हम बी से शुरू होने वाले प्रीपोजिशंस के मीनिंग एंड यूसेज देखेंगे। पहले की भांति प्रीपोजिशंस के जितने भी मीनिंग हैं हिंदी में लिखे रहेंगे और साथ में ही उसी मीनिंग के सिक्वेंस में ही उस मीनिंग से मिलता हुआ सेंटेंस लिखा मिलेगा। तो आज का पहला प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर हिंदी होती है से पहले के सामने, दो हिंदी है इसकी, से पहले और के सामने। रामू विल कम बिफोर सनसेट, रामू सूर्यास्त के सूर्यास्त से पहले आएगा। यहाँ पे से पहले यहाँ मीनिंग आ रही है पहले मीनिंग। दूसरा के सामने मीनिंग आना चाहिए दूसरे सेंटेंस में। देखते हैं मीरा स्टूड बिफोर द डोर, मीरा दरवाजे के सामने खड़ी थी, मीरा दरवाजे के सामने खड़ी थी। तो इस तरह से बिफोर कंप्लीट्स। नेक्स्ट कम्स दैट इज बिहाइंड। बिहाइंड में हिंदी है के पीछे, एक ही हिंदी इसकी होती है के पीछे, लेकिन के पीछे दो तरह का इनहेरेंट मीनिंग होती है, एक टाइम से रिलेटेड और एक प्लेस से रिलेटेड। यहाँ पे समय टाइम और यहाँ पे प्लेस स्थान दोनों से रिलेटेड मीनिंग होती है के पीछे। अ डॉग रैन बिहाइंड द थीप, चोर के पीछे कुत्ता दौड़ा। तो यहाँ पे चोर के पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह बदल रहा है, थीप है इधर, डॉग है, रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लेस की बात है। दूसरा टाइम की बात होगी, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, ट्रेन समय के पीछे चल रही है। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो के पीछे का दो तरह से होता है, प्लेस के लिए होता है और एक टाइम के लिए होता है। तो बिहाइंड ऑल्सो कंप्लीट्स। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो मतलब के नीचे और से कम, दो मीनिंग है इसका। के नीचे के अर्थ में अधिक प्रयोग होता है बिलो, इसलिए रेड किया हुआ है। प्लीज राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन के नीचे लिखिए। यहाँ पे के नीचे होगा बिलो का मीनिंग। दूसरा शी इज बिलो 20, वह 20 से कम है, उम्र की बात कर रहे हैं, वह 20 से कम है। तो यहाँ पे से कम आया, पहले में के नीचे आया था। आगे है बिसाइड। बिसाइड की तीन हिंदी है, के बगल में, के बिल्कुल बाहर, आपे से बाहर। आपे से बाहर मतलब कंट्रोल से बाहर। के बगल में का प्रयोग सबसे अधिक होता है। सीमा इज सिटिंग बिसाइड हर टीचर, सीमा इज सिटिंग बैठ रही है बिसाइड के बगल में हर टीचर, अपने शिक्षक, अपने शिक्षक के बगल में सीमा बैठ रही है। यह बिसाइड का पहला मीनिंग हो रहा है। दूसरा के बिल्कुल बाहर, योर एम इज बिसाइड द टारगेट, तुम्हारा निशाना लक्ष्य, टारगेट मीन्स लक्ष्य, तुम्हारा निशाना लक्ष्य के बिल्कुल बाहर था। बिसाइड द टारगेट मतलब बिल्कुल बाहर था। तो योर एम इज बिसाइड द टारगेट, तुम्हारा निशाना लक्ष्य के बिल्कुल बाहर था। अब आपे से बाहर मतलब कंट्रोल से बाहर। राम वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, राम आपे से खुद में, आपे से बाहर था खुशी के कारण। राम खुशी के कारण खुद में, आपे से बाहर था। ये हुआ बिसाइड। नाउ कम्स बिसाइड्स। इधर था बिसाइड, अब इधर लगा दिया 13 नंबर में एस, और इसकी हिंदी केवल एक है, के अतिरिक्त। नो वन हेल्प्स मी बिसाइड्स माई फादर, मेरे पिताजी के अतिरिक्त कोई भी मेरी सहायता नहीं करता है, इसका हिंदी है। तो बिसाइड्स की हिंदी आ रही है के अतिरिक्त। नेक्स्ट इज बिटवीन। हमने कल देखा था कि अमोंग का प्रयोग करते हैं जब संख्या मोर देन टू होती है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब संख्या दो होगी, तो उसमें बिटवीन का यूज करेंगे।
देखिए बिटवीन मतलब के बीच में, अमोंग का मतलब भी के बीच में था, लेकिन डिपेंड करेगा कितनी संख्या पे बातें हम कर रहे हैं। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच दोस्ती है, यह हो गया बिटवीन का यूज। नेक्स्ट इज बियॉन्ड, इसका उच्चारण करते हैं बियॉन्ड नहीं, इसको उच्चारण करते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है तीन, के बाहर, के उस पार, के बाद। के बाहर का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। द सिचुएशन इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है। के उस पार दूसरा मीनिंग होगा, राम शुड नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल के उस पार राम को नहीं जाना चाहिए, बाउंड्री वॉल के उस पार राम को नहीं जाना चाहिए। बियॉन्ड की हिंदी के बाद। रीमा शुड नॉट गो आउट ऑफ होम बियॉन्ड 10 PM, 10 बजे के बाद रीमा को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, 10 बजे के बाद रीमा को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बियॉन्ड का यूज हुआ। देन बट, बट तो ऐसे कंजंक्शन है, बट एक कंजंक्शन है, लेकिन बट का प्रयोग प्रेपोजिशंस के रूप में भी होता है और इसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग है लेकिन, कंजंक्शन ग्रुप में मीनिंग तो लेकिन होता है, लेकिन बट जब प्रीपोजिशन हो तो मीनिंग होती है को छोड़कर के अतिरिक्त। ऑल आर प्रेजेंट बट यू, सभी उपस्थित हैं आपको छोड़कर, को छोड़कर हो गया आपको छोड़कर, यहाँ पे के अतिरिक्त। ऑल वर क्रिकेटर्स, सभी क्रिकेटर्स थे बट वन, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त सभी क्रिकेटर्स थे, मीनिंग हुआ बट का। नाउ कम्स बाय एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग भी बहुत है। बाय का से के द्वारा मीनिंग अधिकतर यूज होता है। के समीप, से होकर, से पहले, की दर से, और में भी होता है बाय की हिंदी। तो इस तरह से बाय की हिंदी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक दो रह भी गया होगा लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसे लिखा। दे ट्रेवल बाय शिप, वे शिप से, जहाज से यात्रा करते हैं। तो यहां पे आपको पहला मीनिंग मिला, फर्स्ट मैच किया। दूसरा, द बेबी गर्ल इज सिटिंग बाय हर मदर, बेबी गर्ल बच्ची इज सिटिंग, बैठ रही है अपनी मम्मी के समीप। यहाँ पे दूसरा मैच करेगा, मम्मी के समीप, सॉरी। आई गो टू रांची बाई अवेली, मैं रांची जाता हूं एक वेली से होकर, तीसरा बाई से होकर, मैं एक घाटी से होकर रांची जाता हूं। थ्री मैचेज, फोर्थ नंबर से पहले। प्लीज फिनिश योर होमवर्क बाय 8 PM, कृपया अपने होमवर्क, गृह कार्य खत्म करिए, समाप्त करिए 8 PM से पहले। बाय का मतलब से पहले, चार का होगा। पांच, वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर, हम पेट्रोल खरीदते हैं बाय द लीटर, लीटर की दर से। पांच का की दर से है, मैच किया। इट इज 8 PM बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में, मेरी घड़ी बाय मतलब में, मेरी घड़ी में 8 PM हुआ है, 8 PM बजा है, ये हो गया से, मैच किया। अब कुछ वर्ड्स जो बाय को डिमांड करते हैं, बाय चांस, बाय मिस्टेक आप तो यूज करते हैं, स्वियर बाय मतलब की शपथ, इसका होता है की शपथ, स्वियर बाय गॉड, था होता है शपथ, नियर बाय मतलब नजदीक। तो इस तरह से बाय फिनिश हुआ।
तो आज हमने देखा 20 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन से उनका प्रयोग। बिफोर की मीनिंग से पहले, के सामने, बिहाइंड की मीनिंग के पीछे, यहाँ पे प्लेस और टाइम का मीनिंग इनहेरेंट होता है, छुपा होता है, उसमें होता है। बिलो का, के नीचे से कम, बिसाइड का के बगल में, के बिल्कुल बाहर, आपे से बाहर, और बिसाइड्स का के अतिरिक्त, बिटवीन का के बीच में, संख्या दो, बियॉन्ड का के बाहर, के उस पर, के बाद, बट का लेकिन नहीं, कंजक्शन में लेकिन, प्रेपोजिशंस में को छोड़कर, के अतिरिक्त, बाय का से, चाहे द्वारा, के समीप, से होकर, से पहले, की दर से, में, ये सब मीनिंग है। तो आज इतना ही है, फिर कल जो बाकी के प्रेपोजिशंस हैं उनको भी हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।